नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बरेली की नवाबगंज पुलिस ने रविवार देर रात भितरी गांव में छापा मारकर एक ट्यूबवेल से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस को मौके से बने हुए अर्ध बने असलहों के साथ असलह बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने संबंध में आरोपी संजू कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी सुधीर मिश्रा भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने के बाद चालान किया। आपको बता दें कि भितरी गांव में पनघेली नदी के किनारे ट्यूबवेल में दो लोग हथियार बनाने का काम कर रहे थे। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक वीरेंद्र प्रताप आपने पुलिस टीम के साथ छापा मारा और संजय कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी सुधीर मिश्रा भागने में सफल रहा। एक अभियुक्त तो गिरफ्तार हुआ है और एक फरार है, और 6 बने हुए तमंचे हैं, बाकी अर्ध बने हैं। और ये भितरी गांव पड़ता है नवागंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पर ये फैक्ट्री चलाता है, पहले भी इस तरह का काम करता रहा है। एक अभी गिरफ्तार हुआ है, बाकी दूसरी गिरफ्तारी की प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा आदमी है जो फरार हो गया है, तो वो बेचता था 2-2.5 हज़ार रुपये का तमंचा से लेकर जितना भी से मिल जाए उसमें बेच देता। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।